महाराष्ट्र में अरहर की सरकारी खरीद जल्द शुरू होने वाली है। अरहर की पैदावार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन के किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की मूल्य समर्थन योजना के तहत 22 फसलों की एमएसपी पर खरीद होती है। नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एसके सिंह ने कहा है कि अरहर खरीद के लिए किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू होगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन्होंने कहा कि अरहर का उत्पादन लगातार लगभग 10.87 लाख टन होने की उम्मीद है और महाराष्ट्र में खरीद लक्ष्य लगभग 2,71,000 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र के थोक बाजार में अरहर की आवक अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन लातूर के थोक बाजार में कुछ किसान अपनी पैदावार लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि कीमतों को लेकर किसान बहुत उत्साह में नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतें 6300 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को पार फिलहाल करती दिखाई नहीं देंगी। लातूर मंडी के व्यापारी ही देश में अरहर की कीमतें तय करते हैं। उनका कहना है कि इस बार पूरे सीजन कीमतें लगभग 5500 से लेकर 5600 रुपए प्रति क्विंटल तक बनी रहेंगी। केंद्र सरकार ने अरहर की एमएसपी इस योजना के लिए 6300 रुपए तय की है। व्यापारियों की माने तो पूरे सीजन अरहर इस बार एमएसपी से नीचे ही बिकती दिखाई देगी। राज्य में 75,000 टन अरहर की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र के लगभग 4,000 गांवों के किसान 394 सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी पैदावार की बिक्री करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।